नमस्कार, इस समय हम रियासी जिला हेडक्वार्टर के साथ लगती सिला पंचायत में हैं और यहाँ पर हिरण डांस किया गया है, जो ट्रेडिशनल तरीका है लोहड़ी को सेलिब्रेट करने का, उसी तरीके से यहाँ पे लोहड़ी को सेलिब्रेट किया गया है। और ये तमाम कलाकार, जो जानकारी मिली है कि सिला पंचायत के ही ये तमाम कलाकार हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस हिरण डांस को ऑर्गेनाइज किया है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है और कैसे ये आइडिया आया, क्योंकि हमने काफ़ी देर बाद देखा है कि इस तरह से ट्रेडिशनल, पूरी तरह से ट्रेडिशनल तरीके से लोहड़ी को सेलिब्रेट किया गया है सिला पंचायत में। तो एडवोकेट दीपक जी हैं, जो कि इसी पंचायत के निवासी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी क्या कहेंगे, इस तरफ आ जाए, कैसे आइडिया आया ये, क्या किसी ने आपको कहा था कि इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, या फिर पंचायत के ही लोगों का ये डिसीजन था कि इस बार की जो लोहड़ी है वो ट्रेडिशनल तरीके से पूरी तरह से बनाई जानी चाहिए और फिर आपने ये किया, और क्या इससे पहले भी सिला पंचायत में ऐसा आपने किया? जी अंशित जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे शुरू की थी और पिछले 15-17 साल से ये प्रथा जो थी बंद कर दी गई थी किसी ना किसी वजह से। जहाँ तो गांव में कोई ऐसी वफात हो जाती थी जिसकी वजह से हम वो खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें ये इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसको देखते हुए भी हमने एक बड़े अच्छे माहौल में इसको करने का निश्चय लिया, क्योंकि लोगों में इस समय मानसिक जो तनाव देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, और जो बच्चे हमारे नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका ध्यान जो है वो अपने जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी तरफ लगाया जाए, उन चीज़ों से हटाकर जो कि हमारे समाज को बुराइयों की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये प्रथा जो है ये सिला निवासी पहले भी करते आए हैं, और एक बार उन्हीं बुजुर्गों से हमने प्रेरणा लेते हुए ये आज हमने हमारे विनोद कुमार जी हैं, रामलाल जी हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और हम ये तमाम टीम जो हमारी खड़ी है यहाँ पर, इन्होंने और हमारे जोगिंदर सिख मीनिया जी, जो कि पहले भी ये पाठ करते आए हैं, उन्होंने आज इस जानकारी भी थी पूरे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ये जो लड़के हैं जिनको जिन्होंने सखियों का रोल प्ले किया है, ये सभी नए हैं, लेकिन जोगिंदर जी और हमारे रमेश जी हैं, एक अपने मेछू निक नेम है उनका, ये पहले भी करते आए हैं। तिलक राज जी हैं हमारे, ये पहले भी करते आए हैं, तो इन्होंने ये बीड़ा अपने सिर उठा लिया कि हम इस बार एक बार फिर से अपने गांव में लोहड़ी को इस तरीके से मनाएंगे। ये क्या आज ही तैयारी की गई है या पिछले कुछ दिनों? ये पिछले तीन दिनों से लगातार हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगे थे, और वक्तन बेवक्तन हमने रात को, कल भी रात 9:30-10 बजे तक हम इसकी तैयारी में लगे रहे, कहीं जो सब ये जो मेकअप का जितना भी सामान था ये कहीं ना कहीं से अरेंज करना था, तो मैं इन लोगों की, इन अपनी युवा टीम की सराहना करते हुए इनको ये मैसेज दूंगा कि इसी तरीके से ये त्यौहार मनाए जाने चाहिए, जो कि प्रेम और प्यार का संदेश लेकर आते हैं, तो ये आपसी भाईचारा बढ़ाते हैं, रूठे भी गले मिल जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि हमें ये त्यौहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। जी, तो ये हिरण डांस क्या इसी समय पे पहले भी जब होता था इसी समय में होता था, और हर घर पे जाके क्या लोहड़ी मांगी जाती है ये हिरण डांस कर? जी बिल्कुल, हम ये अगर मैं पीछे जाना चाहूँ, इतिहास में जाना चाहूँ, जब हमारे बुजुर्ग इस त्यौहार को मनाते थे तो उस समय जो पैसा मिलता था उन्होंने
अपने गांव के लिए बर्तन तैयार करे थे, जो कि हमारे शादी ब्याह सुख दुख में जो भी हमारे फंक्शन जहाँ किए जाते थे उसमें वो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, और वो बर्तन आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं, और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो आज भी बर्तन लेके उनका इस्तेमाल करता है। तो ये बुज़ुर्गों से ही प्रेरणा लेकर हमने ये स्टेप्स उठाए हैं, और ये आज जो लोहड़ी जहाँ पर दी जाएगी इसका भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य के लिए ही उसका इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। कब से आपने ये शुरू कर दिया है, कितनी देर पहले से आप ये कर रहे हैं, और कब तक ये रात भर, क्या कितने बजे तक चलेगा ये? आज जब तक हम पूरा गांव कवर नहीं करेंगे तब तक चलेगा, हो सकता है सुबह 5 बजे। शादी विवाह हुए हैं क्या उन्हीं के घर में जाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम लोहड़ी के लिए हर घर में जाते हैं, जो दरवाजा खोलेगा उसके घर में नाच गाना होगा, तो लोग, ऐसी बात नहीं है। ये जो चीज है 15-17 साल के बाद देखने को मिल रही है हमारे गाँव में, और हमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि लोग छत के ऊपर पहले से ही रुके बैठे हुए हैं कि कब ये पहुंचे हमारे घर में। सभी दरवाजे खोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सभी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। नहीं होंगे, ये चलता रहेगा रात भर। जी बिल्कुल, जितना हो सकेगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, 5-5, 6-6 साल के भी बच्चे हमारे साथ डांस कर रहे हैं, तो बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, एंजॉय भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा लीड आप ही कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि आपने ही बाकी लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया। हाँ जी जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे सीला गांव में आए हैं, और मैं तय दिल से आपका मीडिया के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं चैनल के थ्रू, मैं उनका तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो रियासी सीला गांव में हमने ये शुरू किया है, और हमारा, हमें एक छोटा सा इसको जेके सिख मिलियां क्लब नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको इसी क्लब के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेन रोल मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ इन सब का, क्योंकि हमारे था आपको कि किस तरह से उस जमाने में होता था, या थोड़ा बहुत बदलाव भी होता नहीं आज के हिसाब से? अंची जी, एक्चुअली हमारे स्वर्गीय पिताजी श्री बंसीलाल जी आज से 18-20 साल पहले उन्होंने, हम छोटे थे उस टाइम, उन्होंने बताया था, तो वो हमको सिखाते थे बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, और उनसे सीख के मैं 18 साल बाद ये रोल दोबारा प्ले कर रहा हूँ। 18-20 साल पहले मैंने ये 3 बार उस टाइम भी किया था, ठीक है, और गांव सारा होता था, और हम सारे उसी में इन्वॉल्व होते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, तो हम इंजॉय भी करते हैं और इसको वो भी करते हैं। इतने सालों के बाद क्या रिस्पांस कैसा रहा लोगों का, क्या उत्सुक थे लोग देखने के लिए, और जब देख रहे हैं तो तारीफ भी कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या लोहड़ी के अलावा भी इस तरह का जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन रहा है वो देखो, आप कोशिश करेंगे? अच्छा जी, डिमांड आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ये मौका मिला है, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, और उसके बाद के मैं डोगरी से बोलो जी, बिल्कुल डोगरी बेच के बोलो, साड़ी ठीक है सर, मैं डोगरी बोल रहा कि साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि अस डोगरा कल्चर की जेडे बच्चे ना अज भी वो दिखा करते, जेडे 18 साल कशा थले न बच्चे उन्हें नहीं पता है जेडे मतलब किस तरह है, हाँ कियां होता है, तो वो उन्हें पता लग गया कि भाई नहीं साड़ा भी डोगरी कल्चर है, साड़ी मां बोली है, अस इहदा आदर मान करने आ, और इन डांस ये बड़ा महत्व रखता, और लोहड़ी वाले दिन इसी मनाते हैं, ठीक है, बड़ी शुक्रिया। हाँ जी, अंशित जी, और मौका मिला डिमांड हो कि ये आर्टिस्ट अगर कोई लोग बुलाते हैं तो उत्थे लोहड़ी के अलावा भी ये करने की कोशिश? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो इस करके साढ़े अज तो मतलब पिछले बुजुर्ग करते गए वैसे, लेकिन अज की जनरेशन 15 साल के जो थले बच्चे उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये मतलब हिरन के है अरन के है, तो मतलब कोई हिस्टरी का भी नहीं पता नहीं है, तो अगर यदि हिस्टरी देखनी हो तो मतलब ज़्यादा मतलब बाबर के टाइम मतलब ये चीज़ वही वो मतलब बदमाश है गुंडे है, वो तो वो एक जड़ा कि एक अच्छा बंदा था। थोड़ी स्टोरी समझ। हाँ जी हाँ जी स्टोरी की है। हाँ जी, उन्दे चे एक मतलब अच्छा बंदा हा, तो जड़ा कि उन्हें मतलब मीरें लुटी है जड़ा उन्हें, तो गरीबी दान करता हा, तो बाद मतलब
कुछ लोग ये भी आखते हैं कि जी फसल जी है तो अस अपने घर पजाइए तो मतलब अस जो भरपाई करिए मतलब फायदा जोड़ा होंगे आमदन वह बाद खुशी बनाने अस यदी तो बस मतलब असें लोकें बच्चे साढ़े इस चीज़ का पता ही नहीं है कि एक केह चीज़ है हरण केह चीज़ है हिरण केह चीज़ है छज्जा केह चीज़ है मतलब इस चीज़ का बच्चे पता ही नहीं है तो बस असें हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल कोशिश साड़ी है कि अच्छी बिल्कुल सर जी साड़ी कोशिश है कि ये अच्छी जगह पैसा जा और मतलब कि मालक बरकत बाधा दिया जिन्हें जिंदे घर मतलब गए अस बहुत इज्जत मान की लोगों और बड़ा मतलब सराहना की कि बहुत अच्छा किया जो भी फंक्शन किया बहुत अच्छा किया जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कब कब से आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी क्या कुछ दिन तीन दिन बाद तीन दिन से तैयारी कर रहे थे और आगे भी मौका मिलेगा तो करेंगे हाँ। तो सिला पंचायत में हिरण डांस और लोहड़ी के खास दिन पर इस तरह का डांस होता है और लोहड़ी मांगी जाती है और खास बात यह है कि लोहड़ी मांग कर जो पैसे जमा होते हैं उन पैसों को ज़रूरतमंदों की मदद के लिए लगाया जाता है तो ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है उस डांस को आज सिला पंचायत में प्रस्तुत किया जा रहा है और रात के समय हर एक घर में ये तमाम कलाकार और अन्य लोग जो है वो जाएंगे और लोहड़ी मांगेंगे और इसी तरह से लोहड़ी का त्यौहार सिला पंचायत में रात भर चलेगा और नहीं हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में हमें आज पता लगा है इसके बारे में कि ये कोई हिरण का कोई डांस होता है इस तरह का कोई डांस होता है कोई फंक्शन होता है हमने आज से पहले कभी कुछ नहीं किया था हमने देखा भी नहीं था ये इस टाइम हमने फर्स्ट टाइम देखा है तो मिला इसका पार्ट बनने का तो आगे हम बिल्कुल हम कोशिश करेंगे अच्छा लगा आपको हाँ हमें ये अच्छा लगा हमें पता ही नहीं था इस चीज के बारे में फर्स्ट टाइम हमारा था तो हमने सोचा कि हम भी पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रशासन से भी क्या अपील करेंगे कि इस तरह की चीजों को प्रमोट करना चाहिए फाइनेंशियल भी मिलनी चाहिए हाँ मिलनी चाहिए क्योंकि इससे जो है ना सभी की मदद होती है गरीब जनता की आप कुछ कहेंगे हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये इसमें पार्टिसिपेट करके तो मैं यही कहना चाहूंगा मुझे अच्छा लग रहा है डोगरा कल्चर जिंदा और एक खास बात आपको बता दें दीपक जी इसमें खास बात ये भी है कि जो टैलेंट है बच्चों का वो भी निखरता है और जिन्होंने कभी शायद पार्टिसिपेट नहीं भी किया होगा हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे लोग हों जिन्होंने पार्टिसिपेट पहले किया हो अलग अलग नाटक में स्किट में लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया होगा उनका टैलेंट भी निखरता है बिल्कुल ये बात भी सही है कि हमारे बच्चों में बहुत ही प्रतिभा है लेकिन उसमें होता क्या है कि ये जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं कमरे के बंद अंदर बंद रह जाता है और उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है तो आपने जैसे बच्चों से पूछा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी मदद करे जिस तरीके से इन्होंने बच्चों ने कलेक्शन करके अपना मेकअप का सामान ये बैलून ये जितना भी आर्टिस्टिक ये सब अपने से किया है तो अगर कहीं अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर इनको गवर्नमेंट मदद करती है किसी तरीके की एड कोई एनजीओ करती है तो ये इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बहुत ही फायदेमंद करते रहेंगे और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा ये तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो अगर ये प्रैक्टिस अगर तीन दिन की ये नतीजा ला रही है और अगर इसको छह दिन की कर दे तो और बेटर हो जाएगा तो फिर तो और अच्छा कर पाएंगे जी बिल्कुल बिल्कुल यहीं से लोग जो हैं वो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही बलवंत ठाकुर जी हैं उन्होंने अपने डोगरा ये कुड डांस को इंटरनेशनल डांस बना दिया है तो बिल्कुल तो वही जो डोगरा कल्चर हमारा जिसमें लोहड़ी सेलिब्रेट इस तरीके से की जाती है उसको हमने एक बार फिर से उजागर किया तो मैं पूरे रियासी निवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इस लोहड़ी को इसी तरीके से मनाएं और इन बच्चों की सराहना करें जी जी चलिए काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मेरा इस लाइव को बंद करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी बंद करना पड़ेगा एक बार आप तमाम लोग जो भी इसका हिस्सा है वो सामने की तरफ आ जाए लोड़ी है पर लोड़ी है लोड़ी है पर लोड़ी है
तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं, धन्यवाद, हैप्पी लोहड़ी। Thank you.